आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि व नारद जी की एक कथा सुनेंगे, जिसमें भगवान नारद जी को बता रहे हैं कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है और गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलकर मुश्किल समय को आसानी से पार किया जा सकता है और संकट से बचा जा सकता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है, भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के साथ बैकुंठ लोक में विराजमान थे कि तभी वहाँ नारद जी नारायण नारायण कहते हुए पहुँच गए। नारद जी ने भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान ने भी नारद जी का आदर सत्कार किया और बैठने को आसन दिया। कुछ समय वहां रुककर नारद जी प्रभु आज्ञा लेकर चले गए। नारद जी के जाने के बाद भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, जिस स्थान पर नारद जी विराजमान थे उस स्थान को गोबर से लीप कर शुद्ध कर दो। श्री हरि जब माँ लक्ष्मी से ऐसा करने को कह रहे थे तो तभी नारद जी किसी कारणवश फिर से वहाँ आ गए और उन्होंने भगवान द्वारा कहे वे शब्द सुन लिए, जिन्हें सुनकर नारद जी को दुख हुआ और उन्होंने भगवान से ऐसा कहने का कारण पूछा। तब नारद जी की बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि बोले, नारद जी, आप मेरे द्वारा दिए गए सम्मान के अधिकारी हो, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर कोई नी गुरु बैठा हो वो स्थान अपवित्र हो जाता है और उसे गोबर से लीप कर शुद्ध किया जाता है। नारद जी, आप नी गुरु हो, आपके जीवन में आपका कोई गुरु नहीं है। भगवान की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, ये बात सत्य है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन आप ही बताएं मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। नारद जी की बात सुनकर भगवान बोले, हे नारद जी, आप इसी समय पृथ्वी लोक पर जाएं और जो आपको सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु धारण कर लें। नारद जी ने कहा, जो आज्ञा। ऐसा कहकर नारद जी पृथ्वी लोक पर पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक मछुआरा दिखाई दिया। उसे देखकर नारद जी वापस बैकुंठ लोक में भगवान के पास चले गए और जाकर बोले, प्रभु, मुझे एक मछुआरा मिला पर उसे गुरु मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। वह कुछ नहीं जानता, मैं कैसे उसे अपना गुरु मान सकता हूँ। भगवान बोले, नारद जी, आप अपनी बात से इनकार कर रहे हो, जैसा आपने कहा था वैसा करो। नारद जी वापस पृथ्वी लोक पर आए और मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। मछुआरे ने कहा, कहाँ आप देवों के ऋषि, कहाँ मैं मछलियाँ पकड़कर जीवन यापन करने वाला, ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी ने उसे समझाया तो वह मान गया।
मछुआरे को गुरु बनाने के बाद नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, ये मैंने किसे गुरु बना लिया, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसे तो कुछ भी पता नहीं है। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और बोले, नारद जी, गुरु की निंदा करते हो, ये घोर अपराध है। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस अपराध के कारण आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। विष्णु जी की बात सुनते ही नारद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु, मुझे क्षमा करें, ऐसा अपराध फिर से ना होगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मुझे इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताएं। विष्णु जी ने कहा, जिसे आपने अपना गुरु बनाया है वही आपको इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताएगा। नारद जी अपने गुरु के पास पहुँचे और जाकर उन्हें सारी बात बताई कि कैसे भगवान ने उन्हें 84 लाख योनियों में घूमने का श्राप दिया है और कहा कि अब आप ही कोई इससे बचने का मार्ग बताएं। गुरु ने कहा, आप भगवान से जाकर कहना कि आप धरती पर 84 लाख योनियों के चित्र बना दें और फिर आप पृथ्वी पर लेटकर उन चित्रों पर गोल गोल घूम लेना और विष्णु जी से जाकर कहना, प्रभु, मैं 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दें, आगे से कभी गुरु की निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने जाकर भगवान से वैसा ही कहा कि अब कभी गुरु की निंदा नहीं होगी। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा नारद जी, गुरु की महिमा, गुरु ने आपको मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। जो मनुष्य गुरु के कहे वचनों पर विश्वास रखता है उसका उद्धार निश्चित है। गुरु के होने पर बड़ी से बड़ी मुश्किल की घड़ी भी आसानी से निकल जाती है, इसलिए जीवन में गुरु अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि जीवन में केवल गुरु ही ऐसा होता है जो किसी भी संकट में निकलने का सही मार्ग दिखा सकता है। भगवान की बातों को सुनकर नारद जी ने श्री हरि को प्रणाम किया और नारायण नारायण कहते हुए चले गए। सभी बोलिए अपने अपने गुरुदेव की जय। बंधुओं, गुरु की कृपा आप सबके जीवन में सदा बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।